नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म। नवाज शरीफ मुल्क नहीं छोड़ सकते, अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 50 लाख के मचल के जमा करवाने का भी हुक्म। नवाज शरीफ अपनी रिहाई का सुनकर मामूली मुस्कुराए। आज बड़ा दिन है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। रिहाई की खबर मिलने पर नवाज शरीफ की गुफ्तगु। नवाज शरीफ ने रिहाई के रूबकार मिलने के वक्त का भी पूछा। जेल इंतजामिया, शाम 7 बजे के करीब रूबकार मिलने का इम्कान। अदालत के फैसले पर मिनो अन अमल होगा। नवाज शरीफ मुल्क के अंदर ही इलाज करवाएंगे। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल का रिहाई के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की कोर्ट लगपत जेल आमद, अल्लाह का बड़ा करम है, मियां साहब की जमानत हुई। अदालतों के फैसले का हमेशा एहतराम किया। मियां साहब घर आएंगे तो उनके इलाज मुआवजे के लिए मुशावरत करेंगे, शहबाज शरीफ की गुफ्तगु। अल्लाह करीम है, मरियम नवाज का वालिद की रिहाई पर ट्वीट। नून लीग के कैंप में जश्न, एक साथ दो खुशियां मिलने पर मतवाले पुरजोश। नसीराबाद ऑफिस में कायद के हक में नारेबाजी, शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, भरपूर इस्तकबाल करने की तैयारी। लीगी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को खूब सराहा। मुशाहिदुल्ला खान बोले कि नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की देने की सजा दी गई। आम इंतखाबात में नताइज तब्दील किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज साबित हो गया कि मियां साहब की तबीयत वाकई खराब है। हुकूमत इलाज के नाम पर झूठ बोल रही है, हुकूमती ड्रामा सामने आ गया, मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म। हुकूमत ने जमानत मंजूर होने के बाद नाम ECL में डाला। शहबाज शरीफ के कितने असासे हैं, कोई दस्तावेजात हैं तो अदालत को दें, जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क्स। क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी की जा रही है, अदालत का नैब वकील से इस्तफसार। नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट नॉर्मल, शुगर भी कंट्रोल में है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। साबिक वजीर आजम को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स ने पानी ज्यादा पीने का मशवरा दिया है, महकमा दाखिला पंजाब। सानहे मॉडल टाउन, अवामी तहरीक की कोर कमेटी का इजलास तलब, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। ताहिरुल कादरी ने रहनुमाओं को अदालती फैसले पर बयानबाजी से रोक दिया। सानहे मॉडल टाउन में इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ के लिए जंग लड़ते रहेंगे। नवाज और शहबाज अगर बेगुनाह हैं तो अदालतों को काम करने दें। दुआ है कि फैसले तक नवाज शरीफ खैरियत से रहेंगे। ताहिरुल कादरी की वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगु। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। कानून साजी की जानिब अहम कदम, तहरीक इंसाफ के यावर अब्बास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन मुंतखिब। PSC 2 के 17 अरकान ने चेयरमैन का इंतखाब किया। हुकूमत काम नहीं सिर्फ शोर मचा रही है। इमरान खान ने 35 बार NRO की बात की मगर सबूत एक बार भी नहीं दिया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगु। महकमे स्कूल एजुकेशन की गफलत, नए तालीमी साल के लिए कंप्यूटर के तलबा के लिए 3 लाख किताबों की किल्लत। नहम और दहम के तलबा के लिए कंप्यूटर का कोर्स ही मुकम्मल तौर पर प्रिंट ना हो सका। तालीमी साल का आगाज यकुम अप्रैल से होगा। पाक फौज जिंदाबाद, फौजी कैप पहनकर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। रेल मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। रेलवे इत्तेहाद के अहदेदारों और मुलाजमीन की भरपूर शिरकत, पाक फौज के हक में नारेबाजी। फौज के शाना बशाना खड़े हैं, भारत ने जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे मुकर्ररीन।